सलाम आदाब, आपका दोस्त रफ़ी अरुण गौतम मोहम्मद रफ़ी साहब की एक नई सीरीज लेके आया है। मोहम्मद रफ़ी साहब के अनजाने गीत और फिल्मों का सुहाना सफ़र रफ़ी अरुण गौतम के साथ। और आपको मैं दो सीरीज में आपको अपना बना के देखो और मैं शादी करने चला के बारे में बताया था, दोनों बड़ी रेयर मूवी थी, उनके गीतों के बारे में बताया, रेयर गीतों के बारे में बताया, और जो कुछ एक्सटेंडेड वर्जन जो अंतरे हैं स्टेंजा उनके बारे में बताया था। अब आपको आज भी एक नई फिल्म जो मैंने पहले बताया था आपको सेकेंड एपिसोड में लेकर आऊँगा। हम लोग बड़े बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं इस फिल्म का, इस फिल्म को देखने के लिए, और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। जिस ज़माने में ये रिलीज हुई थी और तब से ये कुछ सिनेमाघरों में लगी थी ऐसा कहा जाता है, और फिर उसके बाद क्या हुआ है फिल्म का असर, कोई कहता है कि जल गई है, कोई कहता है कि कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ख़राब हो गया इसकी रील है, लेकिन हम सब दुआ करते हैं कि कहीं से ये फिल्म मिल जाए। और वो फिल्म है सलमान खान साहब के अब्बा हजूर फादर सलीम खान साहब की। और इस फिल्म के आप कलाकारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो बड़ा अजीब लगेगा आपको, इतना एक तरह से पांच रत्न थे इस फिल्म के। और इवन आप जो फिल्म का प्रोडक्शन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो भी पंच रत्न है सारे, आज के जो दौर के बड़े बड़े राइटर डायरेक्टर कोरियोग्राफर हैं उनसे इनका एक रिश्ता है रहा सभी का। और ये 1963 की बड़ी रेयर मूवी बचपन है और जिसे बनाया था न्यू पंचरत्न पिक्चर्स ने, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे नजर साहब, और संगीत दिया था अनु मलिक साहब के फादर सरदार मलिक साहब ने, और फिल्म के गीत लिखे थे हसल जयपुरी साहब ने। अगर इनका आपस में रिलेशन देखेंगे ना, फिल्म के जो डायरेक्टर्स हैं और जो कलाकार हैं और जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गीत लिखे हैं असर जयपुरी, आपस में आज भी रिश्तेदार हैं। और फिल्म के मुख्य कलाकार सलीम खान साहब, और उनकी हीरोइन थी जानी मानी कोरियोग्राफर, आज की सबसे बेहतरीन कोरियोग्राफर है फराह खान जी, उनकी मदर मेनका ईरानी जी, देखिए क्या इत्तेफाक देखिए। और संगीत का बारे में मैंने बताया, सरदार मलिक साहब उस ज़माने के बड़े रेयर मूवी के लिए जाने जाते थे, रेयर मूवी में रेयर गानों के लिए जाने जाते थे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें मेनका और डेजी रानी दोनों सिस्टर्स हैं और दोनों ने इस फिल्म में काम किया है। और अगर यूँ कहा जाए कि ये सारे एक पंचरत्न है जो आज भी पंचरत्न है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैं आपको इन बचपन फिल्म के गीतों के बारे में बताना चाहूँगा, इस फिल्म में 7 गाने थे, इस फिल्म में 7 गाने थे, और जिसमें से एक ड्यूट और 2 सोलो गाने मोहम्मद रफ़ी साहब के थे। मोहम्मद रफ़ी साहब का सोलो रोमांटिक गाना बहुत हम सबका प्रिय गाना है, लाजवाब गाना रोमांटिक गानों में। रफ़ी साहब के जब भी रोमांटिक गानों की जब बात आती है तो ये गाना आता है। और ये देखिए आप सलीम खान साहब और मेनका ईरानी जी के साथ ही गाना है, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। मैं आपको इसका रिकॉर्ड है मेरे पास, और ये अब मैं रिकॉर्ड से आपको ये गाने सुनाता हूँ रफ़ी साहब का, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह। अभी आपने एक गाना सुना मोहम्मद रफ़ी साहब का लाजवाब रोमांटिक गाना, मुझे तुमसे मोहब्बत है मैं कह नहीं सकता। और ये गाना इतना रोमांटिक और इतना बेहतरीन रेयर गाना था कि ये भी गाना वो रेडियो पे अक्सर बजा करता था दोपहर के समय, आप कहीं जा रहे होते थे स्कूल कॉलेज तो तभी ये उस ज़माने में खूब बजा करता था। और मैं तो कई बार ये FM में भी सुना इस गाने को,
स्पेशल फरमाइश पे चलाया गया था ये गाना, वो मुझे तुमसे मोहब्बत है, बहुत प्यारा गाना है ये सलीम खान साहब का, उनका भी फेवरेट गाना था। एक बार उन्होंने कहीं इंटरव्यू में भी जिक्र किया इस फिल्म का कि रफ़ी साहब के साथ मेरा पहला गाना मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं कह नहीं सकता। अब इस फिल्म के दूसरे गाने की मैं जिक्र करना चाहूँगा, और इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस गाने का भी दो अंतरे मिलते हैं, और तीसरा अंतरा था फिल्म में, चूंकि ये फिल्म अवेलेबल नहीं है तो तीसरा अंतरा हमारे सभी जो संगीत के प्रेमियों और रफी साहब के चाहने वालों का एक्साइटमेंट है कि वो तीसरा अंतरा कौन सा था। तो मैं आपको तीसरा अंतरा भी, मेरे पास जो बुकलेट अवेलेबल है बचपन फिल्म की, वो बचपन फिल्म में वो मैंने जब वो बुकलेट में देखा तो वो तीसरा अंतरा उसमें लिखा हुआ है, उस वो अंतरा लिखा हुआ है, लेकिन फिल्म में जो जो अभी यूट्यूब पे जो अवेलेबल है ऑडियो इस फिल्म का, वो दो अंतरे का ही है, और रिकॉर्ड में भी दो अंतरे का है। मेरे पास जो ये रिकॉर्ड है आप देख सकते हैं, ये दो अंतरे का ही है ये रिकॉर्ड, और मेरे पास वो बुकलेट से लिखा हुआ गाना है। मैं आपको वो तीसरा अंतरा आपको जो शब्दों में है वो आपको शेयर करना चाहूँगा। अगर कहीं आपको ये वीडियो या ऑडियो कहीं मिलता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बड़ा मेरे लिए बड़ा मैं बड़ा बेताब हूँ इस रेयर अंतरे के लिए, और जब से मुझे ये दो अंतरे पता चले हैं, राज दिल और ये मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं बहुत तलाश कर रहा हूँ, दुआ कीजिए कि जल्दी मिल जाए। और उस तीसरे अंतरे के जो बोल हैं रफी साहब के, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कहीं भी किसी को भी नहीं पता। और मेरे पास ये जो बुकलेट में जो मेरा मुझे छोटी जो 4 पेज की एक चौपड़ी होती थी उसमें ये मिला मुझे, तो आप ये देखिए इसमें बोल है, जवां सांसों की सरगम में तुम्हारा नाम लेता हूँ, जुबा पर नाम आता है तो दिल को थाम लेता हूँ, रहेगा आँख में आंसू मगर ये बह नहीं सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। कितना लाजवाब गाना, रेडियो पर कितना बजा गाना ये, मेरा बड़ा फेवरेट गाना है ये। सुनिएगा इस गाने को पूरा आप, अभी रिकॉर्ड से आपको मैंने अभी सुनाया था, आप देखिए क्या बेहतरीन गाना है। अब मैं बचपन फिल्म के दूसरे गाने की जिक्र करूंगा, और ये गाना की जो जहां से रफी साहब के बोल स्टार्ट होते थे हमारे कदम थम जाया करते थे, इतना बेहतरीन गाना था, और ये सुमन कल्याणपुर और रफी साहब का ड्यूट गाना था, और गीत के बोल है, तेरे हम ओ सनम तू कहाँ मैं कहाँ, सूरज तू जरा मैं तू कहाँ मैं कहाँ, तेरे हम ओ सनम। सुनिए गाने को, सूरज तू जरा मैं तू कहाँ मैं कहाँ, बचपन फिल्म का जो तीसरा गाना रफी साहब का एक सोलो गाना था, नजरिया न मारो, ये भी बहुत अच्छा गाना है, नजरिया न मारो नजर लग जाएगी, बड़ा पैपी टाइप का एक बहुत अच्छा गाना था ये रफी साहब का, और ये गाना यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन मैं मेरे पास रिकॉर्ड में है, मैं आपको रिकॉर्ड से आपको वो गाना सुनाऊंगा, नजरिया न मारो नजर लग जाएगी, नजरिया ना मारो नजर लग जाएगी, नजरिया ना मारो नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी जुलम कर जाएगी, जुलम कर जाएगी सितम कर जाएगी, नजरिया ना मारो नजर लग जाएगी। अभी आपने रफी साहब का तीसरा बचपन फिल्म का तीसरा गाना सुना, नजरिया न मारो नजर लग जाएगी।
अब मैं आपको जो रफी साहब का जो सबसे रेयर और हम सब जो इस गाने के लिए बेताब है, और मेरे पूरी दुनिया में रफी साहब के चाहने वालों को शायद इस गाने के बारे में पता नहीं है। क्यों क्यों नहीं पता? क्योंकि जो हमराज का गीत कोश है उसमें उस गाने के आगे किसी गायक का नाम नहीं लिखा हुआ, और उस गीत के आगे एक चीज और लिखी है कि सरदार मलिक साहब ने अपने बताया है कि ये गाने की धुन मैंने नहीं बनाई है, लेकिन ये गाना धुन किसी और ने बनाई है, लेकिन ये गाना था उस फिल्म में और जो भी फिल्म रिलीज हुई थी। और इस गाने के बारे में मैंने जो मेरे मित्र हैं एहसान भाई और साईं जयपुरी साहब और मेरे बहुत अच्छे मित्र जिन्होंने मुझे, मैं जब भी कभी पुरानी फिल्मों के बारे में शेयर करता हूँ, रमन मल्होत्रा जी जो मेरे को हर बार मेरे मार्गदर्शन करते हैं, तो उन्होंने भी ये बताया था कि ये फिल्म में ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब का था। और फिर मैंने सबसे पहला ये काम किया कि गीत कोश में वो रफ़ी लिखा, फिर मैंने क्या किया, प्रीतम मेघानी और जी की जो बुक है मेरे गीत तुम्हारे, उसमें देखा वो गाना रफ़ी साहब नाम लिखा हुआ है गीत के आगे। तो अब ये गीत है कहाँ, ये गीत के बोल क्या है पूरे, ये किसी को नहीं पता आज तक। तो आप एक दुआ कीजिए कि मेरे पास वो बचपन फिल्म की जो बुकलेट जो मैं अभी जिक्र कर रहा था जिसमें वो रफी साहब का मैं मुझे तुमसे मोहब्बत है का तीसरा अंतरा भी मिल गया हो, और इस फिल्म का ये गाना था जो ये फिल्म का पहला गाना बेसिकली देखा जाओगे तो बड़ा रेयर गाना है, और उसके जो बोल सुनोगे आप, अभी मैं आपको बोल गा के बताऊंगा कि क्या लाजवाब गाना था। और हमें अब और मेरे लिए बड़ी बेताबी हो रही है कि ये गाना कहीं से मिलना चाहिए, गाना होना चाहिए, और मैं अपने रेफरेंस जो हैं उनसे चाहूँगा कि इस गाने के बारे में अगर और कोई जानकारी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपको वो गाने के बोल बताता हूँ जो बचपन फिल्म का जो बड़ा लाजवाब गाना था। अच्छा गाना भी एक जादू है, अच्छा गाना भी एक जादू है, जो भी सुन ले जो भी सुन ले मदहोश हो जाए, यारों की महफिल में जिया लहराए, अच्छा गाना भी एक जादू है जादू है। अब इसका पहला अंतरा सुनिए, देखो कितना रेयर, बहुत अच्छा अंतरा जो रफी साहब के ऊपर लागू होता है रफी साहब के, क्या आज वो गाना अगर होता तो मैं आपको पूरा सुनाता। मेरे गानों पे नाचे आसमां भी, सितारों का जहां भी, तेरे सरगम पे झूमे आसियां भी, तेरे सरगम पे झूमे आसियां भी, बहारों का समा भी, मेरी आवाज पे दुनिया फिदा है, तराना प्यार का सबसे जुदा है, अच्छा गाना भी एक जादू है जादू है जादू है। ये कितना बेहतरीन गाना था, अगर ये गाना अगर हमें सुनने को मिलता तो कितना बेहतरीन गाना है, लिखा है। और अभी आपने फिल्म बचपन के बारे में जाना और बचपन के रेयर गीतों के बारे में जाना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी जो अगली एक और रेयर मूवी है, और वो भी मूवी कहीं दुनिया में अवेलेबल नहीं है, मैं उस मूवी को लेके आऊँगा आपको। और देखते रहिए मेरा चैनल मोहम्मद रफ़ी साहब का, गीतों का और फिल्मों का सुहाना सफ़र रफ़ी अरुण गौतम के साथ। आदाब, नमस्कार।